हेलो इंजीनियर्स, दिस रोबोटिक्स कांति। तो आज आपके लिए लाए हैं वायरलेस कैमरा। मैंने पिछला भी एक वीडियो डाला था जिस पर वायरलेस कैमरा हमने असेंबल किया है, लेकिन आज का जो कैमरा है वो बहुत ही अच्छा क्वालिटी देता है। तो इसके मदद से हम लोग वायरलेसली वीडियो को ट्रांसफर कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे किस प्रकार से वीडियो के साथ ऑडियो भी ट्रांसफर हम लोग कर सकते हैं। तो अभी के लिए जो वीडियो है उस पर हम लोग देख सकते हैं किस प्रकार से ये वीडियो ट्रांसफर होते हैं। तो चलिए, ये जो छोटा सा एक सर्किट है जिसकी मदद से वायरलेस काम होता है वो भी वीडियो, ये किस प्रकार से हम लोग आसानी से घर पे बना सकते हैं और कुछ कंपोनेंट के माध्यम से। तो चलिए देखते हैं आज का ये वीडियो। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय ltm.com। यहाँ पे आप लोग आसानी से स्केमिक बना सकते हैं, पीसीबी डिजाइन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के गड़बड़ फाइल, बोम फाइल, ये सब कुछ आसानी से क्रिएट कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर पे। इस सॉफ्टवेयर के ट्रायल के लिए नीचे दिया हुआ लिंक पे क्लिक करें। तो हम लोग इस प्रोजेक्ट के लिए ये जो कैमरा आप देख रहे हैं ये AB कैमरा है, तो इसको हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये AB कैमरा हम लोगों को मिल जाएगा ऑनलाइन पे, कहीं पे भी सर्च करेंगे तो AB कैमरा ये मिल जाएगा। बहुत ही छोटा कैमरा है। तो ऑडियो वीडियो जो कि इनपुट आउटपुट है, इसमें से अगर वीडियो करेंगे तो इसमें से वीडियो इनपुट होगा, होके यहाँ से जो वायर है येलो कलर का वायर से वीडियो जो कि आउटपुट होगा, और ऑडियो इस पर ऑडियो भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं माइक, तो माइक की वजह से हम लोग व्हाइट कलर का वायर से हम लोग माइक को भी आउटपुट कर सकते हैं। तो इस माइक के माध्यम से इस पर इनपुट होगा और व्हाइट कलर से आउटपुट होगा जो कि हम लोगों को सर्किट पर लगाना होगा, और पॉजिटिव और नेगेटिव वायर इस पर लगाना होगा। 5 वोल्ट से ये ऑपरेटिंग होते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग ये कैमरा यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इस कैमरा को हम लोग यूज़ करके ये सर्किट हम लोग बनाएंगे। आप लोग देख सकते हैं ये सर्किट कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे हमने एक AB कैमरा लगाया है जिसको आउटपुट एक ही है, और ऑडियो का एक है, वीडियो का एक है, और यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव एक देना पड़ेगा, मतलब 5 वोल्ट। ठीक है, तो 5 वोल्ट से ये चलता है। तो हमने इसको 5 वोल्ट इसमें से दे दिया है, और साथ में देखिए कुछ कॉम्पोनेंट्स हमने लगाया है ताकि ये वायरलेसली काम हो सके। तो यहाँ पे एक वेरिएबल PF जो कि हमने कैपेसिटर लगाया है वेरिएबल, जिसको एडजस्ट करना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाया है वेरिएबल जिसको एडजस्ट करके हम लोग इसका फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करेंगे। करने के बाद हम लोग इसको आउटपुट पे जो वीडियो है वो देख सकेंगे। तो अभी हम लोग जो छोटा सा TV होते हैं उस TV पे हम लोग इसको सेट करेंगे और इसको दिखाएंगे किस प्रकार से इसका आउटपुट होते हैं। तो चलिए अभी इसको टेस्ट करते हैं। तो अभी देख सकते हैं ये उल्टा है, अभी इसको सीधा करते हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हैं, तो बहुत ही अच्छे से ये काम करते हैं, देखा आपने। तो इस तरफ अगर मूविंग करेंगे तो ये अच्छे से काम करेगा। तो इस प्रकार से हम लोग ये प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो देखा आपने किस प्रकार से आसानी से घर पे हम लोग वायरलेसली कैमरा एक बना सकते हैं, बहुत ही छोटा। तो इसका जो फ्रीक्वेंसी है उसको एडजस्ट करना जरूरी है। तो इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतने, थैंक यू दोस्तों, बाय।